दसवीं मुहर्रम अल-हराम की रात को पूरे मुल्क की तरह राजनपुर में भी मजालिस का सिलसिला जारी। मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया के साथ सैयद इमरान शाह बुखारी मेंबर ज़िले अमन कमेटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आंख अश्क बार है गमे हुसैन में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेमस गेट पे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शाह बुखारी साहब और उनकी पूरी टीम। इनसे पूछते हैं ये ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम शाह सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्लाह का करम है। ज़िले इंतज़ामिया की जो काविशें कोशिशें आपके सामने हैं, इंतज़ामी अमूर अल्हम्दुलिल्लाह वापडा हो, चाहे वो हमारी म्यूनसिपल कमेटी हो या चाहे हमारे सिक्योरिटी के जितने भी प्रोग्राम हैं, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लिए गए हैं और जुलूस जो है हमारा वो मुकम्मल अपने जोश व खरोश के साथ अपने मुकर्रर रूट्स पर जो है ना रवान दवा है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जिस तरह से सिक्योरिटी के अहकाम ये किए गए हैं, आपका इसमें यानी कि किस किरदार कितना है सर? जुलूस इस वक्त जो है ना 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस जो है ना हमारे वो शुरू हैं, नोहाखानी हो रही है। तकरीबन 3 बजे करीब यहाँ पे जो है ना मस्जिद हुआ है, यहाँ पे मस्जिद अहले हदीस के सामने जो है यहाँ पे एक हमारी मजलिस होगी। उसके बाद यह जुलूस इसी तरीके से मोहल्ला सादात में पहुँच जाएगा, फिर सारी रात वहाँ पे अज़ादारी होगी और फिर सुबह इंशाल्लाह ताला फिर से यौम अशूर के हवाले से जितने भी प्रोग्राम हैं वो बिलतरतीब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो है ना सिक्योरिटी से मुतमईन है। आपके चारों अतराफ़ में आपको पुलिस सिक्योरिटी इदारे और जो है ना बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 112, तमाम टीमें जो है ना वो हमारे अतराफ में मौजूद हैं और हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल फुलप्रूफ सिक्योरिटी के साथ जो है ना वो अपने रवान दवा है। सर, म्यूनसिपल कमेटी का किरदार कैसा रहा आपके साथ? म्यूनसिपल कमेटी का किरदार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम थे, वो हमारी सीओ साहब से बात हो गई थी, कुछ सफाई के निज़ाम थे और कुछ जगहों पे जो है ना हमारी जो रूट्स में जो है ना वहाँ पे रोड्स क्योंकि बन रही हैं वो ठीक नहीं थी, फिलफौर उसको शट कर दिया गया है। वहाँ पे मट्टी वगैरह डाल के रूट्स को इस काबिल बना दिया गया है कि मोमिनीन वहाँ से आराम से गुजर जाए। जिस तरह सर ज़िया शहीद रोड की हालत ख़राब हुई पड़ी है, तो वहाँ पर फिर म्यूनसिपल कमेटी ने किस तरह से उसको चीज़ को सेटल किया? ज़िया शहीद रोड के हवाले से क्योंकि अभी तक वहाँ पर सीवरेज का एक सिस्टम बनना था जो अभी तक बना नहीं है, आर्जी तौर पर उसको जो है ना वो चला दिया गया है। जो हमारे रूट्स हैं जुलूस के वो वहाँ से गुजर जाएंगे, मट्टी वहाँ पे डाल दी गई है, रेत वहाँ पे डाल दी गई है और जो रस्ते हैं जुलूस को उनको जो है ना टोटल लाइट्स लगा के उनको मुजयन कर दिया गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हालात बेहतर हैं और इस हालात में जुलूस जो है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अपने रूट्स से बिल्कुल आराम से गुजर जाएगा। जी बिल्कुल, इमरान शाह बुखारी साहब का कहना था कि ये रूट्स पे बिल्कुल इंतजाम मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल हैं और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से भी इंतजाम सारे मुकम्मल हैं।